बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, अशोक कौल सर जिंदाबाद। श्रीमान मोहम्मद सलीम भट्ट साहब, शाहनवाज जी जो मंडल प्रेसिडेंट और कैंडिडेट भी हैं, कुलदीप राणा साहब, शाहीन मलिक साहब, शमशादा जी जो कैंडिडेट भी हैं, रियाज अहमद साहब मंडल प्रेसिडेंट खड़ी बैठे हुए बहनों और भाइयों, अभी कुलदीप जी बता रहे थे कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, कॉलेज शिफ्ट नहीं हुआ। कुलदीप जी बता रहे थे अस्पताल बना है, अस्पताल शिफ्ट नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, ये चुनाव यहां चौथी बार हुए पिछले दिनों, लेकिन सारे देश भर में 12-13 बार हो चुके हैं। इस पर आपको सोचना पड़ेगा कि ये डीडीसी के चुनाव क्यों नहीं हुए। आज स्कूल खुले वो नहीं चाहते थे कि आपके अस्पताल खुले। कांग्रेस जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहता है, 73rd, 74th अमेंडमेंट, ये कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में इसको पास कराया, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ लागू? 87 एमएलए 87 एमएलए यहाँ जम्मू कश्मीर में राज करते थे, उसका परिणाम आपने परसों देखा, जब रोशनी स्कैम में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मेरा जैसा आदमी भी कल्पना नहीं कर सकता है कि 25,000 करोड़ का स्कैम फारूक अब्दुल्ला ने किया। 25,000, मुझे तो उसमें से 25,000वां अंश भी मिले तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम, ये नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी नीचे तक जाए, ये नहीं चाहते थे कि जिला परिषद बने, डीडीसी बने, ये नहीं चाहते थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बने। ये क्या करते थे, जब सरकार बनाते थे एक मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाते थे, वो साल में एक बार आता था और विकास नहीं होता था। आज आप चुनेंगे, पहली बार चुनेंगे आप नुमाइंदा अपना, जिला परिषद से चुनेंगे अपना नुमाइंदा, और वो नुमाइंदा अपना चेयरमैन चुनेंगे, आपके यहां विकास होगा, आपके यहां तरक्की होगी। अब इसका फैसला आपने करना, क्या आपने फिर से कांग्रेस को लाना है, आपने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाना है, या जैसे अभी सलीम साहब बता रहे थे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दीजिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है डेवलपमेंट, दूसरा नाम है विकास, अपना कुछ नहीं है, हमारा दूसरा नाम विकास है, दूसरा नाम डेवलपमेंट है। यह आपको बताना पड़ेगा, यह आपको यहाँ के लोगों को समझाना पड़ेगा, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को समझाना पड़ेगा, आम समाज को, आम लोगों को समझाना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चुनाव अगर किसी ने कराए, वो नरेंद्र मोदी जी ने कराए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चुनाव अगर किसी ने कराए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कराए, आज तक क्यों नहीं हो रहे थे, ये सवाल आप इन कांग्रेसियों से पूछिए, ये सवाल आज आप यहाँ के कांग्रेस के लीडरों को पूछिए, क्यों नहीं कराए ये चुनाव आज तक, क्यों इन चुनावों से हमको महरूम रखा, ये चुनाव पहली बार क्यों हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आज से पहले क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि विकास डेवलपमेंट ये आम आदमी करे, ये नहीं चाहते थे कि डेवलपमेंट और विकास ये घरों गांवों में पहुंचे। इनको पूछना पड़ेगा आपको साथियों, इसलिए नहीं है कि उसका नाम नरेंद्र मोदी है, नाम इसलिए है कि उसके काम के कारण उसका नाम है, जैसे काम वो करता। अभी ये महामारी हुई कोविड की, सारे दुनिया में हुई, कोई हिंदुस्तान में नहीं हुई, कोई डोडा जिले में नहीं हुई, कोई रामबन जिले में नहीं हुई, सारे दुनिया में हुई ये महामारी। तो इस महामारी में सबसे बड़ा काम अगर दुनिया के किसी कंट्री में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हिंदुस्तान में हुआ। जनता कर्फ्यू से लेकर
आज अनलॉक 3 चल रहा है। इस समय तक जो मोदी जी ने लोगों के लिए, उनको ये लगा कि लोग इस समय मजबूर है, उन्होंने जो व्यवस्थाएं दी, बताया यहाँ लोगों ने 9 महीने राशन फ्री, महिलाओं के खातों में जनधन योजना में 500 रुपया, उज्ज्वला योजना में जिनको गैस मिला था उनको 6 सिलेंडर फ्री, और जो पेंशन लेने वाले लोग थे उन लोगों को, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन था, चाहे वो विडो पेंशन था, चाहे वो डिसेबल्ड पेंशन था, उन लोगों को उन्होंने फ्री 3 किस्तें, 1-1 हजार की 3 किस्तें दी। जो रजिस्टर्ड मजदूर था उसके खाते में पैसा गया। किसान सम्मान निधि, हर किसान के खाते में 2000 रुपए गए। साथियों, ये किसी और ने नहीं, किसी और कंट्री में नहीं हुआ। अब सभी कंट्रियों का खुलासा करिए, और सभी कंट्रियों का खुलासा करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ये 9 महीने का राशन केवल हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये इतने बड़े काम। फिर स्कीम्स की बात चली, शाहनवाज जी बता रहे थे हमारे यहाँ आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया कि हर परिवार को, चाहे वो बीपीएल में है, चाहे वो एपीएल में, हर परिवार को 5 लाख रुपया, खुदा ना करे वहां बीमार कोई हो जाएगा तो उसको 5 लाख रुपया की गोल्डन कार्ड की सेवा मिलेगी। अब ये सारे काम है साथियों, इन कामों को आपको गिनाना है, इन कामों को आपको आगे ले जाना है, ये बताना है। जैसे अभी सलीम साहब बता रहे हैं कि भाई एक बार दीजिए ना मौका भारतीय जनता पार्टी, इन चोरों, इन चखोरों को, इन बदमाशों को, इन गुंडों को हम लोग अपने सिर पर क्यों बिठाए, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दीजिए साथियों, एक बार मौका दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, जिताए हमारी बहन जी को, जिताए हमारे शाहनवाज साहब को, जिताकर इनको भेजिए, फिर डेवलपमेंट होगी, फिर आपका कॉलेज भी खुलेगा, फिर आपका अस्पताल भी खुलेगा, फिर आपके रोड भी खुलेंगे। अगर फिर से आपने इन्हीं बदमाशों को देना है तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे तब भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं आएंगे, हम तब भी आएंगे, लेकिन फैसला आपके हाथ में, फैसला यहाँ के आवाम के हाथ में। मैं आज मीडिया के माध्यम से आवाम को ये बताना चाहता हूँ, बान्याल के आवाम को, कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को आजमाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू 30 करोड़ मुसलमान, ऐसा नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी का नेता जब बोलता है तो वो कहता है कि 135 करोड़ लोगों का मैं प्रधान सेवक हूं, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, सब है। कभी आपने नरेंद्र मोदी जी के मुंह से कभी ऐसा सुना होगा कि मैं मुसलमानों को करूंगा हिंदुओं को नहीं करूंगा, या हिंदुओं को करूंगा मुसलमानों को नहीं करूंगा? ये चुनाव के समय मजहब का, धर्म का आसरा लेते हैं, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ लड़ाएंगे, मुसलमान को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाएंगे। पिछली बार जब 2014 में फारूक साहब लड़ रहे थे चुनाव श्रीनगर में, हार गए थे, उस समय करा साहब जीत गए थे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, एक जगह भाषण दे रहे थे, उस भाषण में कह रहे थे कि ये जो, अब बीजेपी वहां थी नहीं उस समय, अब तो बहुत अच्छी है कश्मीर में बीजेपी, उनको कह रहे थे कि ये बीजेपी को वोट दे दोगे तो ये आपको उठाकर समुन्द्र में फेंक देंगे और वहां से बिहार और बंगाल के लोगों को यहां आकर बसाएंगे। मुझे भी एक बार मौका मिला उसी चुनाव में किसी एक सभा में बोलने का, मैंने फारूक साहब से पूछा, मुझे ये बताइए कि 2000 में, 1999 में, 2000 में जब आपने अपने बेटे को, उमर अब्दुल्ला को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनवाया, तब बीजेपी किसी को समुद्र में तो नहीं फेंकने वाली थी? जब आपका अपना मामला था तब बीजेपी ठीक, अब आपका अपना मामला नहीं तो बीजेपी खराब, ये क्या है? ये आपको सोचना पड़ेगा। ये चुनाव के समय, ये मजहब के नाम पर
हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाते हैं, मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाते हैं, यह हमको समझना पड़ेगा। इसको हमको समझना है, ये नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे साथियों। एक आदमी कहता है, एक नेता कहता है कि हमको चीन को यहां बुलाना पड़ेगा, चीन हमको सहयोग करेगा। आप साथियों जाकर पता करिए, टीवी देखिए, चीन में मुसलमानों की हालत क्या है। चीन में मुसलमानों को चैंबर में ठोक देते हैं, ठूस देते हैं, वहां मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। तो ये चीन से, चीन का सहयोग लेगा कि यहां का मुसलमान उसको नहीं पूछेगा कि तुम चीन की बात क्यों करते हो, पहले चीन में मुसलमानों को ठीक करो। पाकिस्तान की हालत आज क्या है आप देखते होंगे टीवी पर, खोखला मुल्क हो गया है। आज वहां हर प्रांत में, मुजफ्फराबाद में, सिंध में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज वहां का आदमी वहां की सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। अभी इन्होंने बताया कि एक बांग्लादेश बन गया, वहां कई बांग्लादेश बनेंगे, ऐसी हालत पाकिस्तान में हो गई है साथ। ये बताया ये नेता, चीन को, चीन का सहयोग लेंगे। आज तक पाकिस्तान का राग अपना रहे थे और 1.25 लाख लोग जम्मू कश्मीर का मरवा दिया, 1.25 लाख नौजवान जम्मू कश्मीर का मरवा दिया, ये आपको पूछना पड़ेगा इनसे। भारतीय जनता पार्टी के रूल में या हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ी चैन से, बड़ी अमन से रह रहा है। बाकी देशों में जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, इनसे अच्छे तरीके से हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी, वो चाहे अरब में जाए, वो चाहे इराक में जाए, वो चाहे ईरान में जाए, वो चाहे सऊदी अरबिया में जाए, वहां भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं, ये आप सबको पता है। इसलिए मेरा ये आपसे कहना है, मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा नहीं है। बिहार का चुनाव भी हुआ है, मुसलमानों ने बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, ऐसा नहीं है। मैं पिछले चुनाव की, 2000 चुनाव की बात करता हूं बार बार, क्या हमने डोडा की सीट नहीं जीती? डोडा तो आपके पास में है, क्या डोडा की सीट हमने हिंदुओं के कारण जीती? क्या मुसलमानों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तब हमने डोडा की सीट जीती। हमने भद्रवा की सीट जीती, भद्रवा की सीट में क्या हिंदुओं से जीती है सीट हमने? गुंदो बुलेसा, वहां के हर मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, हम भद्रवा की सीट जीती है। किश्तवाड़ की सीट आज तक कभी नहीं जीती थी, किश्तवाड़ की सीट हमने जीती। किश्तवाड़ की सीट पर क्या हिंदुओं ने हमको जिताया? दक्षिण मडवा वाडवन, वहां के मुसलमान ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां से असेंबली में पहुंच गया। आजाद हिंदुस्तान, एक बार आजाद हिंदुस्तान, एक बार हिंदुस्तान, एक बार आप इस बात को समझिए कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दे दीजिए। यहाँ गुज्जर बकरवाल लोग हैं, ट्राइबल लोग यहाँ बहुत सारे हैं, तो उन ट्राइबल लोगों को कहिए, गुज्जर बकरवाल को कहिए कि अगर आपको हुकूक दिए किसी ने, तो किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने दिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। अभी जो डिलिमिटेशन होने वाली है, नए सीटें 90 बनने वाली है, उसमें उनके लिए 9 सीटें रिजर्व कर दी गई। जैसे जम्मू में SC की जो सीटें रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व है, ऐसे 9 सीटें ST के लिए उनके लिए रिजर्व हो जाएंगी आगे। ये किसने दे दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया गुज्जर बकरवाल ST को, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर दिया, पॉलिटिकली उसको मजबूत कर दिया। ये गुज्जर समुदाय को बताइए, उनको कहिए मत आइए। वो कहते हैं कि भाई वो फारूक साहब की कोई रिश्तेदारी थी गुज्जरों के साथ, इसलिए हम फारूक साहब के साथ हैं। भैया चला गया जमाना, क्या किया तुमको फारूक साहब ने? मैं आज ये जो ST सीटें हो गई ना, उसमें ST महिलाएं भी हो गई। मैं यहां अगर भी कोई ST आदमी बैठा है, उसको कहना चाहता हूं, मैं ढूंढते फिर रहा हूं कि भाई ST महिला कोई उसके पास ST सर्टिफिकेट हो। गरीब जो ST है वो गरीब ही होता जा रहा है। ये जो अमीर है आपका यहां गूल का बुलंद खान,
वो गरीब अमीर होते जा रहे हैं, उनके बेटे अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब के पास ट्राइबल एसटी की सर्टिफिकेट नहीं है। हमको कोई एसटी की सर्टिफिकेट, कोई महिला जिसको हम चुनाव लड़ाना चाहते थे उसको कहा तुम्हारे पास एसटी सर्टिफिकेट है, वो कहती मेरे पास एसटी सर्टिफिकेट नहीं है। क्या किया इन लोगों ने, इन लीडरों ने, इन बड़े बड़े नेता जो थे हमारे, इन्होंने केवल और केवल स्कैम किए, अपने बंगले बनाए, अपने जमीने बुरी तरह से अपने पास रख ली। साथियों, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी का जो साफ सुथरा चेहरा है, एक बार आप देख लीजिए, ये करेंगे आपको। इन्होंने कहा पैसे, पैसे के माध्यम से, पैसे के माध्यम से तो हो सकता है, लेकिन ये फतवे जारी करवाएंगे, आपको कहेंगे कि ये ऐसे है, वो वैसे है, इसलिए बीजेपी वालों को वोट मत दे दो, लेकिन आपको उन फतवों को अलग रखना है। अब वो फतवे देने वाले समय हो गया है साथियों, उस फतवे वाला समय हो गया। कह रहे जी ट्रेन चले, अब हिंदुस्तान की सरकार ने ट्रेन बंद कर दी है क्या, मजबूरन बंद कर दी। अब अपने पड़ोसियों को पूछिए भाई चलने दो ना ट्रेन को, क्यों नहीं चलने देते हो। और ये लोग जो नहीं चलने देने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान के और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फोर्सेस के ताकते हैं यहां, जो ट्रेन को नहीं चलने देते। भारत सरकार ने ट्रेन बनाई ना, भारत सरकार ट्रेन कश्मीर तक पहुंचाना चाहती है ना। अब कह रहे हैं कि 2 साल के बाद जम्मू से ट्रेन कश्मीर तक पहुंचेगी, लेकिन वो जो वहां मक्कार बैठे हैं, जो इन सर्विसेज का उपयोग नहीं करवाना चाहते हैं साथियों, ये आपको विचार करना पड़ेगा। आपको ट्रेन चाहिए, आपको सड़क चाहिए, आपको हवाई जहाज चाहिए, आपको जो भी सुविधा चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अगर आपको यहां डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट करनी है अब काउंसिल ने, डेवलपमेंट करनी अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने, अब एमएलए नहीं करनी डेवलपमेंट, एमएलए का काम अब रह गया कि वो असेंबली में जाकर कानून बनाए, उसके जिम्मे अब कोई काम नहीं रह गया। अब आपने 140 डीडीसी के मेंबर बनाए, आपने 137 बीडीसी के मेंबर बनाए, आपने सरपंच बनाए, आपने पंच बनाए, आपने यहां बानेहाल की म्युनिसिपल कमेटी बनाई, इतना डेवल्यूशन हो गया है। नहीं तो ये 87 लोग ही पूरा घंटी लेकर चलाते थे निजाम को, अब इनके पास निजाम नहीं है, इनको आप सरकार ने कहा कि तुम जाओ बैठो असेंबली में और कानून बनाओ, तुम्हें डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। मोदी जी ने अब ये सीडीएफ भी बंद कर दिया, इसलिए इनके पास सीडीएफ भी नहीं रहना, जो इनके पास बड़ा वो शौक होता था कि हम लोगों को पैसा देंगे इसलिए हम अपने पीछे पीछे कुछ लोगों को चलाएंगे। इसलिए आप लोगों को कहिए, लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता इसलिए दुनिया में मशहूर है अपने कामों को लेकर, जो उसने काम किए हैं, और केवल काम उसने अपने देश के लिए आप नहीं किए। जब कोविड शुरू हो गया मार्च में, तो कुछ जगह से चला कि भाई ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनिन जो दवाई है ये इसका इलाज है। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने कई देशों को, क्योंकि वो दवाई सबसे ज्यादा बनती थी हिंदुस्तान में, वो दवाई हिंदुस्तान से अनेकों देशों को भेजी वो दवाई, और अनेकों देशों ने उस दवाई को ले लिया। इसलिए आज जो हमारा नेता है, वो नेता केवल नेता के नाम पर नेता नहीं है, नेहरू की तरफ, फारूक अब्दुल्ला की तरफ, वो काम के नाम पर मशहूर है, वो काम करता है। इसलिए हम भी एक बार, नहीं तो फिर आएगा, आएंगे आप बीजेपी के पास, फिर मैं आऊंगा, फिर कहेंगे कॉलेज नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला, फिर आप कहेंगे सड़क नहीं खुली, फिर आप कहेंगे नाली गली नहीं बनी, फिर आप कहेंगे हमारे घर, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे राशन वाले गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक वाले गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ तहसीलदार, हमारे यहाँ पटवारी गड़बड़ कर रहा है, ये फिर कहेंगे आप साथियों। यही मौका है, अगर आप इन चीजों को ठीक करना है, ये सब चीज आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड ने करने हैं।
आपको यहां से भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा भेजेंगे तब आपकी चीजें ठीक होंगी। अगर आप नहीं भेजेंगे तो पहले जैसे ही आप रहेंगे, जैसे सलीम साहब बता रहे थे कि एक चावल की बोरी को आप अपना वोट भेज दोगे, लोगों को कहिए, मैं नहीं कह रहा हूं आपको क्योंकि आपने हलफ ले लिया, अभी हमने अभी हलफ ले लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, लेकिन हम अगर कार्यकर्ता है, केवल मैंने नहीं करना है, मैंने अपने पोलिंग बूथ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मैंने अपने बूथ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ये अब आपने हेल्प करना है कि मेरा वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा गांव का वोट, मेरा पोलिंग बूथ का वोट, ये सारा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा साथियों। ये आप करें, ये आप इस बार इन चुनाव में अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हक में समाज को कहिए, लोगों को कहिए, छोड़ दो ये सारी बातें, हो गई पूरी बातें, हो गया सारा, लेकिन अब अगर हम विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, पानी चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की रामबन जिले की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, वो तभी बनेगा जब आपके यहां इन चार सीटों से भी आप उसको जीत कर दे देंगे, नहीं तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और अगर बन भी गई तो वो फिर वही कहेंगे कि हमको बानिहाल ने क्या दिया, वो फिर वही कहेंगे, जैसे अभी कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाले हमें पूछते नहीं, वो फिर वही कहेंगे बानिहाल ने हमको क्या दिया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि जैसे अभी सलीम साहब बता रहे थे कि इस बार आप लोगों को कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मेंबर यहां से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड DDC में भेज दीजिए तो तब आपका यहां विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, नहीं तो फिर हम वही पीछे जैसे वो करते, वो बहुत प्रलोभन देंगे, वो अनेक चीजें, जब उनकी सब चीजें नहीं चलेंगी ना, बाद में वो आपको धर्म का, मजहब का प्रलोभन देंगे। हमको उससे भी बाज आना है, हमको उससे भी ठीक होना है, हमको उसको भी समझाना है लोगों को। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार वोट करिए, और DDC के जो दो कम से कम बानिहाल के हैं, शाहनवाज जी और हमारी शमशादा जी, इसको आप जिता कर यहाँ से भिजवा दीजिए। यही प्रार्थना आपसे मैं, आप काफी देर तक यहाँ बैठे रहे, ठंड का भी मौसम है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।